महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित विशालगढ़ में दरगाह के पास से अतिक्रमण हटाने को लेकर रविवार को बवाल हो गया, जिसके पास में स्थित मस्जिद को तोड़ने की कोशिश कर जय श्री राम के नारे लगाए गए। बवाल को बढ़ता देख प्रशासन ने विशालगढ़ में सुरक्षा बढ़ा दी। दरअसल विशालगढ़ किले के हजरत सैयद मलिक रेहान मीर साहब की दरगाह और एक मस्जिद है। आरोप है कि इसी के पास अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रखा गया है। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार को हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा हुए थे। जब इसकी जानकारी दूसरे पक्ष को लगी तो वह भी आ गए। देखते देखते दोनों पक्षों में बहस हो गई, जिसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठन ने मस्जिद दुकानों में और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से देशभर के मुसलमानों की भावना को आहत हुई है। जिसके चलते महाराष्ट्र के जलगांव शहर में शहर के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि ने जिलाधिकारी को निवेदन देकर इस मामले के उच्च स्तर में चौकसी की जाए और इस मामले में दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। निवेदन देते हुए जलगांव शहर के अनेक लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक विश्व मानव छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आदर्श आहेत आणि महाराजांनी नेहमी सर्व धर्म समभाव ही जी या ठिकाणी परंपरा रुजली आहे त्यात छत्रपती शिवरायांचा सिंहाचा वाटा असून शिवाजी महाराजांनी नेहमी सर्व समाजांना समान न्याय हक्क बाल केलेला आहे आणि महाराजांचा आदेश होता की कुठेही कुराण शरीफची प्रत सापडली तर ती अत्यंत आदराने त्या ठिकाणी मुस्लिम बांधव म्हणजे मशिदीत देण्यात यावी। त्याचप्रमाणे महाराजांच्या एका सरदारने कल्याणच्या एका सरदाराची बाईला त्या ठिकाणी महाराजांजवळ आणलं आणि त्यांना महाराजांनी त्यांनी बक्षीस म्हणून भेट दिली। तर महाराजांनी अत्यंत नम्रतेने त्या स्त्रीला आईसा दर्द दिलं की जर माझी आई एवढी सुंदर असते तर मी किती सुंदर असतो असं त्या ठिकाणी महाराजांनी सांगून त्या स्त्रीचं त्यांनी महत्त्व त्या ठिकाणी वाढवलेलं होतं आणि महाराजांनी स्पष्ट सांगितलं होतं यानंतर जर कोणी अशा प्रकारचं कृत्य करत असेल तर मी त्याला शिक्षा करेल असे आमचे महाराज होते। आणि महाराजांचे स्पष्ट आदेश आहे की कोणी शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठालाही हात लावता कामा नये असे महाराज होते। आणि अत्यंत खेदाने सांगावं लागतं आहे की छत्रपती शिवराजांच्या या पुरोगामी महाराष्ट्रात काही समाजकंटकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन अतिक्रमणचं नाव घेऊन त्या ठिकाणी गजापूर ते विशालगड या ठिकाणी त्यांनी मुस्लिम वस्तीत जाऊन त्या ठिकाणी मुस्लिमांची जे पवित्र असं धार्मिक स्थळ असतं मशीद दर्गा वगैरे त्या ठिकाणी त्यांनी जाऊन त्या ठिकाणची त्यांनी विटंबनं केलेली आहेत, अल्पसंख्याकांना मारण केलेले आहे। आम्ही या घटनेचा जाहीर मुस्लिम बांधव निषेध करतो आणि आम्ही आमचं असं म्हणणं आहे की हे फक्त मुस्लिम बांधव किंवा मशिदीची विटंबन असून हे महाराजांचं जे धोरण आहे छत्रपती शिवराजांची जी म्हणजे जे स्वराज्य होतं ज्याची जी व्याख्या आहे त्याच्या या विरोधात आहे। तर आमची आज महामहिम मुख्यमंत्री साहेबांना आम्ही आज या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी सो जळगाव यांच्यामार्फत मागणी केलेली आहे की अशा समाजकंटकांना लवकर अटक करून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांच्या घरावरसुद्धा बुलडोझर चालवण्यात यावं अशी आम्ही या ठिकाणी मागणी केलेली आहेत। आणि महाराजांना अभिप्रेत असलेला महाराष्ट्र या ठिकाणी कसा असेल त्याचं एक उदाहरण देण्यात यावं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परसों के रोज महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मस्जिद के ऊपर कुछ लोग आके वाके ऊपर मस्जिद के ऊपर तोड़फोड़ की अतिक्रमण के नाम के ऊपर। ये जो हमारे देश का संविधान जो आईन है ये राइट्स नहीं देता है अदर पीपल को कि भाई ऐसे जाके और ये चीज़ें करना, इसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से ये बोलूँगा कि ये जो घटना हुई है इसके ऊपर जो है कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। और जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, मैं आपको कहूँगा कि आप जो लाड़की बहन योजना लाए तो मेरे हिसाब से आप इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि देश के अपने महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। और जो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री उनके पास होम मिनिस्ट्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, आप जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये कहा जा रहा है आपका सबका साथ सबका विकास है। एक माइनॉरिटी समाज को आप जो अटैक करके किसके धार्मिक स्थल के ऊपर ऐसा अटैक करना है, ये इसके अंदर देश में ये चीज़ की कहा जगह है। ये जो है बहुत गलत चीज़ हो रही है। और जो मैं वाके नवनिर्वाचित मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे जो आदर्श है महाराष्ट्र के, जिसको हमारे महाराष्ट्र की जनता एक स्वराज्य नेते के तौर पे, ये अंत्य हमारे छत्रपति शाहू महाराज इनकी जो ये खानदान से आते हुए आगे नवनिर्वाचित खासदार शाहू छत्रपति महाराज, तो मैं इनसे ये आग्रह करूँगा कि तुम जो भी है जो आपके अधीन जो भी राइट से जो चीफ मिनिस्टर से बात करके होम मिनिस्ट्री से बात करके इनको सख्ती से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे। और इनको जो भी है
ये सजा का प्रावधान तत्काल फौरन करा जाए और ये ऐसे आने वाले वक्त में ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है, तो ये महाराष्ट्र में पोलराइज का एक माहौल बनाना चाहती है फोर्सेस गवर्नमेंट जो है ये महायुति की। तो मैं इसके ऊपर संज्ञान लेने का कहूँगा प्रशासन को और महाराष्ट्र के शासन को, क्या काम आइंदा ना करें। जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध इकबाल शेख हुसैन मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा संचालित डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में केजी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू, जिसमें आपके बच्चों को कुशल और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, प्रोजेक्टर द्वारा डिजिटल शिक्षा, छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, भव्य प्ले ग्राउंड, तम्बाकू मुक्त परिसर, विज्ञान मेले, श्रेष्ठ वार्षिक परिणाम, माता पिता से मीटिंग, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन, जिला विभाग राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, साइंस लैब और लाइब्रेरी, RO फिल्टर पानी की सुविधा के साथ स्कूल बस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही नीट JEE UPSC की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे 9158555777 पर। रुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वह किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा, बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटेटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन, बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन, बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम व MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन, संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786, ईमेल आईडी bspatelagricultural.campus@gmail.com, वेबसाइट bspatelagricultural.campus.com। भुसावल शहर में पहली बार सोनू इंटरप्राइजेस लेकर आया है नामांकित कंपनी के घरेलू सामान पर 50% डिस्काउंट तक छूट, जिसमें आपको मिलेंगे नामांकित कंपनी के मिक्सर, कुकर, फैन, गीजर, प्रेस डिनर सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC व अन्य होम किचन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट
साथ ही मोबाइल एसेसरीज में चार्जर, ब्लूटूथ, वायरलेस हेडफोन व अन्य सामान। तो अभी एक बार अवश्य पधारें। दुकान का पता है नेशनल हाईवे नंबर 6, खरका चौक, अल फरहान मस्जिद के पास भुसावल।